मनोहर सरकार की वापसी यानी मनोहर सरकार 2 वापस कैसे आ रही है, इसके लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। उस रणनीति में मैनिफेस्टो अपनी अलग तरीके से काम करेगा और मैनिफेस्टो का जो सारा काम है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी देख रहे हैं। धनखड़ जी से बात करते हैं, आज बैठक में क्या हुआ धनखड़ साहब, बैठक में क्या हुआ, क्योंकि कहता था कि मैनिफेस्टो एक ब्लू प्रिंट होता है सरकार की वापसी का। देखिए, आज हमारी तीसरी बैठक हुई है। पहली बैठक हमने गुड़गांव में की थी, एक रूपरेखा तैयार की। उसके बाद रोहतक में एक दिन भर की बैठक करके हमने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन की। फिर हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर अलग अलग प्रकार के समूहों के साथ बातचीत करके आए हैं। कोई पिछड़े वर्ग से बात करके आया है, कोई अनुसूचित जाति वर्ग से बात करके आया है, कोई दस्तकारों से बात करके आया है, कोई किसानों से बात करके आया है, कोई जो है व्यापारियों से बात करके आया है, कोई उद्योगपतियों से बात करके आया है। ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर वार्ता करते हुए लोग जो है वो उन्होंने आज इस बैठक में अपने अपने उसका रिपोर्टिंग दी है। 1 लाख से अधिक सुझाव हमारे सोशल मीडिया पर आए हैं और 70,000 हार्ड कॉपी आई है। आज शाम को हम बैठ रहे हैं 6 से 9 बजे तक, जैसे जनता जनार्दन की तरफ से जो सुझाव आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। इन दोनों के आधार पर कल सुबह हम फिर बैठने वाले हैं और 7 बजे से 10 बजे तक जो कुछ एक रूपरेखा ध्यान में आ रही है उसको दोनों आधारों पर डेवलप करेंगे। उसके बाद जो हमारे और महत्वपूर्ण जैसे हमारे सांसद गण हैं, हमारे विधायक गण हैं, हमारे अन्य विभागों के मंत्री गण हैं, सबके भी सुझाव लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मन में जो बातें हैं वो सारी बातें भी साझा करके तब इसकी एक फाइनल रूपरेखा तैयार होगा। मेरे एक अंतिम सवाल सर, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया जेजेपी के साथ, अब राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि हो सकता है वो कांग्रेस के साथ जाए, आपको क्या लगता है कि आप बीएसपी का हाथी कभी किसी करवट बैठेगा या आप लोगों को कहीं नुकसान पहुंचाएगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। लोग अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि प्रतिपक्ष में क्या एक्सरसाइज चल रही है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस प्रकार से अच्छे बहुमत के साथ रिपीट करना है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, साफ तौर पे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि जो 1 लाख से अधिक लोगों ने बताया है, सुझाव दिया है सरकार को, उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके जो है पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया जाए। और साथ ही जो कांग्रेस 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, तमाम प्रकार की पेंशन देने की बात कर रही है, दरअसल वो मानते हैं कि लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे, लोग सोचते हैं कि जो भी मिलेगा वो उनको भाजपा से मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ मैं कुमार रमेश, R9 TV चंडीगढ़।